तो अगर आप विंटर शूज लेने आ रहे हो तो दो चीजें ध्यान में रखना, हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले कम से कम 200-300 बंदा खड़ा हुआ है इसके लिए। हेलो जी, सारों प्यार भरी सत श्रीकाल, स्वागत है एक और नवी वीडियो के नाल। अखा थोड़ी सुजिया सुजिया लग रही होनगियाँ क्योंकि जल्दी उठ गए थोड़ा जहाँ, अज राती लेट सोते थे और जल्दी उठने का कारण है आज है बॉक्सिंग डे, जो कि होता है क्रिसमस के डे के अगले दिन 26 दिसंबर, और उस दिन लगती है बहुत बढ़िया सेल। यहाँ पे हर चीज़ पे लगती है, इलेक्ट्रॉनिक में भी लगती है। ब्लैक फ्राइडे जो हमने बताया था पहले कि वो खाली इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है मोस्टली, और बाकी चीज़ों पे कम। बॉक्सिंग डे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा कम, बट लगती है। तो हमारा प्लान ये है कि हम चलते हैं शॉपिंग करने थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमें तो कुछ कुछ सामान खरीदना है, उसकी ज़रूरत है। उनमें से एक है हमारा सबसे विंटर बूट्स, ठीक है, और कुछ कुछ हमें रिटर्न भी करना है, अगर मौका मिला तो वो कर लेंगे, लेकिन मेन हमारा विंटर बूट्स है, और कुछ कुछ अगर देखेगा और सही डील में तो वो उठा लेंगे। ठीक है जी, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए कहाँ जा रहे हैं आपको आगे बताते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मिता जी रेडी? तो हम निकल चुके हैं क्रॉस आयरन की तरफ। तो क्रॉस आयरन मॉल है एक यहाँ पे जो कैलगरी के आउटर एरिया में है, वहाँ पे पूरे पूरे फैक्ट्री आउटलेट हैं, सारी की सारी दुकानें, सारी सबसे बड़ा मॉल भी है ना? सबसे बड़ा मॉल भी है हाँ, और सारी मतलब फैक्ट्री आउटलेट है तो, और सेल अलग से लगती है तो इसलिए थोड़ा और सस्ता मिल जाता है सामान, ठीक है, और थोड़ा सा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर है बट वर्थ है जाने के लिए अगर सेल वेल लगी है। हाँ, लेकिन लाइनअप बहुत होता है वहाँ पे बॉक्सिंग डे वाले दिन स्पेशली, किसी स्टोर पे जे केट स्पेड माइकल कोर्स को तो लगती ही, इन पे हमेशा लाइन रहती है, लेकिन हमें इनसे कुछ लेना नहीं है तो इसलिए हम लाइन में नहीं, नहीं, लेना भाई। अगर लेना होगा तो स्मिता लाइन में लगेगी, मैं नहीं लगूंगा। कनाडा की गाड़ियां देख लो ऐसे इतने गंदे गंदे, बट ये इसका कारण ये है कि स्नो के वजह से ये कीचड़ कीचड़ हो जाता है, रास्ता भी आप देखो कि कितना कीचड़ से भरा हुआ है। जब स्नो पिघल जाती है ना तो सारी गाड़ियां गंदी, सारी गाड़ियां गंदी मिलती है। तो हम पहुंच गए हैं मॉल, बहुत मुश्किल से मिली है पार्किंग, भरा पड़ा पूरा यार, इतने लोग, कमाल होगी साली, इतनी दूर आज तक नहीं करी मैंने, कोसो दूर जाके पार्किंग मिली है, इतनी दूर दिखाना जरा पीछे से दिखने के लिए, आईफोन में दिखता है, मैं दिखाता हूं, वो दूर है जैक मॉल की, इतनी दूर आज तक नहीं मिली पार्किंग जितनी आज, पहली बार हाँ, बट मौसम अच्छा, आज ठंड नहीं है इतनी, अचानक से भगवान, टेम्परेचर पॉजिटिव में है तो वी आर गुड, बिना जैकेट के चल रहे हैं इसलिए, हाँ तो इतना दुखेगा नहीं, अगर ठंड होती ना फिर तो वापस ही चले जाते, पर लग रहा है बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, अंदर जाके पता चलेगा। दोस्तों तो हम पहुंच गए हैं DSW, और हमें मिले हैं DSW के मतलब पहला ही शोरूम है, अंदर आते ही और अंदर आते ही मिले हैं अक्षय एंड फैमिली। तो वैसे हमें पता था कि आएंगे पर ये नहीं पता था कि आते ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आए हैं DSW और देखते हैं अपना वो विंटर बूट्स, राइट, विंटर बूट देखते हैं, हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। तो ये एक शूज पसंद आया ये वाला, ठीक है, ये -30 रेटिंग का है और इसके नीचे ग्रिप बहुत अच्छा है, तो अगर आप विंटर शूज़ लेने आ रहे हो तो दो चीज़ें ध्यान में रखना, एक तो है इसके नीचे ग्रिप होना चाहिए और दूसरा टेम्परेचर रेटिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट -20 तो होनी चाहिए, ये -30 है, वाटरप्रूफ भी होनी चाहिए, वाटरप्रूफ तो होते ही हैं विंटर बूट्स, ठीक है। और ये हमने, ये 12 नंबर है, मेरा साइज़ नहीं है, और एक ये है सेम -30, इस पर भी मेरा साइज़ नहीं है यहाँ पर, बट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं दोनों, 11 नंबर, दोनों में से जोन से अच्छा लगा वो रख लेंगे। शूज़ हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं यहीं से, और अक्षय को भी मिल गए थे, अक्षय को वही साइज वाले शूज़ पसंद आ गए तो उनके साइज के मिल गए तो उन्होंने भी ले लिए, हैप्पी शॉपिंग। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। भैया बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत लोग, स्केचर से खाली हाथ वापस, कुछ पसंद नहीं आया और अब जा रहे हैं गैप में। हाँ जी, तो हमने बच्चों के लिए कुछ कुछ सामान खरीद लिया है,
क्योंकि इसके लगे 70% ऑफ और 75 प्लस खरीदने में है 26% एडिशनल। तो हमारे फ्रेंड का बच्चा है, उसके लिए उन्होंने कहा था कुछ कुछ ले लेना, तो हमने वो ले लिया। अब अपने लिए थोड़ा सा देखते हैं और फिर निकलते हैं। दोस्तों ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स और लाइन देख लो इसकी ज़रा, ये सारी इसके लिए लाइन है। 75% ऑफ चल रहा है ना, इसलिए लंबी लाइन थी वहाँ पे। तो हाँ, तीन तीन चार चार का सामान मिलेगा। तो हम गैप से आए, ले आए हैं सामान, दो बैग भर गए हैं। हाँ स्मिता, क्या ले रही हो? दो लिबाम भी है, बस ये बढ़िया होता है। ब्लैक फ्राइडे में ले लिया था थोड़ा, 50% लेकिन मॉल खत्म नहीं हो रहा अभी भी। पड़ा आधा भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। अभी हम खड़े हैं अंडर आर्मर पे और अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है, बड़ी लाइन नहीं है। तो 60% चल रहा है, देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ मिलता है। अगर कोई शूज मिलेंगे, वैसे जरूरत नहीं है बट मिलेंगे तो उठा लेंगे, सही मिलेंगे तो। जिस कलर का नहीं है हमारे पास उस कलर का। हाँ जी दोस्तों, तो अंडर आर्मर से जिम टी शर्ट्स लिए दोनों ने, एक एक ये मिली है 50% ऑफ पे, ठीक ठाक ठीक ठीक रेट मिल गई है। ये एक और स्टोर है माउंटेन वेयर हाउस, यहाँ पे बढ़िया विंटर जैकेट और विंटर शूज़ भी बढ़िया रेट में मिल जाते हैं। हाँ जी, तो बिना प्लान के आ गए हैं अंदर माउंटेन वेयर हाउस के। और स्मिता को वैसे तो स्मिता को थी ग्लव्स की ज़रूरत, तो इसलिए मेरे पास तो हैं, तो स्मिता के लिए ग्लव्स ले लिए हैं। मेरे पास भी है, इतना भी पहन लो, डबल ले रही ठंड लगती लगती है, तो इसलिए अब एक ऊन वाले और एक ऊपर स्की वाले, वो दोनों करके यूज करेंगे। 30% चल रहा दोस्तों, ये लाइन देख रहे हो, लाइन देखते चलो कहाँ तक जाती है। और ये यहाँ तक है, कम से कम 200-300 बंदा खड़ा हुआ है इसके लिए, माइकल कोर्स के पर्स खरीदने के लिए। और ये खड़ी है स्मिता, लाइन देख के परेशान। और ये है कोच, यहाँ पे भी पर्स मिलते हैं। जितने भी पर्स की दुकानें हैं ना, ऐसे भैया पूरा लाइनअप हो रखा है वहाँ तक। दोस्तों वो देखो सामने एक गेट से लाइन आ रही है, ये पूरा लाइन यहाँ से जा रही है और ये पूरा आगे तक जा रही है। यहाँ पे ये है नाइकी के स्टोर की लाइन, देख रहे हो तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, लोग भरे पड़े हैं पूरे के पूरे, भैया पागल हो रखे हैं। हाँ जी, तो स्मिता मैडम वापस आ गई H&M से, बिलिंग की लाइन देख के लंबी सारी। हाँ, ये मैंने ऑनलाइन चेक किया था, मतलब एक चीज पसंद आई थी, वो ऑनलाइन ज्यादा सही प्राइस पे पड़ी थी। हाँ, तो ट्राई कर लिया, ट्रायल रूम तो खाली पड़ा था। हाँ, तो ट्राई कर लिया और ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया वहीं से, तो वो देख लेंगे। और फिर हम आगे चल दिए और अब आए हैं क्लार्क्स पे, वहाँ पे लगी है सेल शूज पे, और $50 में नहीं, $100 में टू पेयर्स कोई भी, तो लाइन लगी। लेकिन हमें लगा कि लग जाना चाहिए, कुछ तो मिल जाएगा। शूज का कलर और साइज नहीं मिल रहा, कलर डिसाइड नहीं हो पा रहा, जिसका कलर डिसाइड हो रहा है उसका साइज नहीं मिल रहा, बहुत ही दिक्कत है। और गंद ऐसे कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रखा है सही में यार, इसका ढूंढ रहा हूँ मैं साइज दूसरा मिल जाए तो। फाइनली एक घंटे के बाद जाके शूज मिले हैं, और जो कलर चाह रहे थे वो तो नहीं मिला मेरे को, नहीं मिला बट स्मिता को फिर भी मिल गया उसका कलर, बट फिर मैंने ब्लैक कलर के ले लिए, तो वो भी यूज़ में आ जाएंगे, पहन लेंगे लेदर वाले। अब चलते हैं विनर्स, थोड़ा एक बेल्ट वगैरह देख ले मिलती है कि नहीं। हाँ जी, तो बेल्ट वाला सीन तो कुछ जमा नहीं मेरा। अच्छा मैं पूछना बोल रही, क्या सब क्या पसंद नहीं आई? बोलो, जो चीज़ चाहिए थी वैसी चीज़ नहीं मिल नहीं रही थी, और जिसमें थी उसमें साइज नहीं था, 32-32 था। यहाँ पे बेल्ट भी इंडिया के हिसाब से नहीं मिलती ना, कि एक बेल्ट ले लो उसके बाद कटवा लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पूरे अपने साइज के हिसाब से बेल्ट लेनी पड़ती है, काटता वाटता नहीं है कोई भी।
अब हमने प्लान बना लिया है घर निकलने का। रास्ते में कॉस्को से पेट्रोल डलवाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। गाड़ी नहीं मिल रही, पर भीड़ इतनी, गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम भूल गए हैं कि हमने कहाँ खड़ी करी थी, या तो ये वाले खंभे के पास या वो वाले खंभे के पास। कोई भी कुछ फॉलो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या ही चक्कर है साला। चलो चलते हैं अभी तो। शॉपिंग वॉकिंग हो गई है अपनी, पेट्रोल भी भरा लिया हमने, और कॉस्को से जो रिटर्न करना था वो भी कर दिया है, और कुछ कुछ ले भी लिया है। कॉस्को वाला हमने कैप्चर नहीं कर पाए, हम थक गए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब चले हैं घर की तरफ। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, बॉक्सिंग डे शॉपिंग का, कि यहाँ पे कैसे करते हैं लोग शॉपिंग, पागल हो जाते हैं, तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।